YouTube चैनल इवन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जाने वाला हूँ कि कैसे आप booking.com से होटल बुक कर सकते हैं, सस्ता होटल booking.com से बुक कर सकते हैं और कैसे मैच दिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। booking.com और agoda.com ये दोनों से आप सस्ते इंटरनेशनल फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आज booking.com से आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सस्ता होटल बुक कीजिएगा। तो इसके लिए आपको booking.com साइट पे जाना पड़ेगा। मैं प्रेफर करूँगा कि आप गूगल प्ले स्टोर से booking.com का जो ऐप होता है वो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उसको इंस्टॉल करने के बाद ये वीडियो देखें, तब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि कैसे आप सस्ता होटल बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले आपका मोबाइल पे इंस्टॉल किया हुआ booking.com का ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको देखिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप पहले आपका प्लेस डालिए, कहाँ पर आप होटल सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ बैंकॉक। बैंकॉक डालने के बाद यहाँ पर आप नीचे डेट सिलेक्ट कीजिए, कौन सा डेट से कौन सा डेट के लिए आप होटल बुक करना चाहते हैं वो डेट आप सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए एक डेट सिलेक्ट किया, फिर सर्च में यहाँ पर देखिए एक रूम दो एडल्ट्स में सिलेक्ट किया हूँ। अब सर्च में क्लिक कर रहा हूँ। सर्च में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कौन सा होटल आपका यह है। तो ये जो हॉस्टल 24 है इसमें मैं रह चुका हूँ, ये रिकमेंड मैं करता हूँ। इसके बाद आप ये शॉर्ट में चल जाइए। इसमें शॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए सर्च बाय पॉपुलैरिटी है। इसमें देखिए पॉपुलर जो होटल है उस सब के बारे में दिखा रहा है। उसके बाद प्राइस लो टू हाई है, जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप उसमें क्लिक कीजिए, तब आपको दिखाया जाएगा कि कौन सा होटल सबसे सस्ता है, कौन सा उससे थोड़ा महंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक सबसे कम, उसके बाद उसके नेक्स्ट होटल क्या है, इसके बारे में डिटेल दिखा रहा है। अब इस तरह से आप चेक कर सकते हैं बाकी फिल्टर्स को भी अप्लाई करके। अब फिल्टर्स ऑप्शन में जाइए। देखिए यहाँ पर बहुत सारा फिल्टर्स है, किस तरह से आप मतलब लोकेशन में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारा लोकेशन शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ आप नज़दीक जगह का हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारा फिल्टर्स है, सबके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। पहले है ये लोकेशन वाला, देखिए इसमें आपको दिखा रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप ले सकते हैं। उसके बाद है ये फ्री कैंसिलेशन, तो हमेशा इसको टिक कीजिए क्योंकि आप अगर बाद में कैंसिल भी करते हैं तो कोई चार्जेस आपको नहीं लगता है, बहुत दिन इन लोग समय देता है। फिर होता है प्राइस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना हिसाब से, पर नाइट का हिसाब से आप कर सकते हैं, पर स्टे का हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाइट का हिसाब से चूज़ कर रहा हूँ, मैंने एक बजट मेरा फिक्स कर लिया कि इस बजट के अंदर मुझको लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए है चेन है, इसमें बहुत सारा कंपनीज़ का होता है, जैसे यो है हम लोग के इंडिया का, ऐसा ही बहुत सारा है। आप चेन को इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है ये। इसके बाद जो है ये स्टार रेटिंग, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप कौन सा स्टार इन द सेंस मतलब कि रेटिंग जैसा है, स्टार रेटिंग हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। रिव्यू स्कोर से आप चूज़ कर सकते हैं कि कितना रिव्यू उसको मिल रहा है होटल को, उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टार रेटिंग और रिव्यू स्कोर। उसके बाद है फ्री ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, इसको टिक कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप ब्रेकफास्ट ले लेते हैं ना तो आपका बहुत सारा खर्चा वहाँ पर बच जाता है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा आप लोगों से। इसके बाद आप इसको ऑलवेज टिक कीजिएगा, इसके बेनिफिट में बाद में आप लोगों को बता दूंगा कि क्या है। इसके बाद प्रॉपर्टी टाइप आप सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर होटल है, हॉस्टल है, गेस्ट हाउसेस है, होम स्टेज है, आप अपना हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा अगर बैचलर आप सिंगल जा रहे हैं तो हॉस्टल चूज़ कीजिए, फैमिली में जा रहे हैं तो होटल चूज़ कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह से लेना चाहते हैं, इस हिसाब से आप यहाँ पर फिल्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट फिल्टर्स में क्या है, आप फिर से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहता है खासतर। इसके बाद है फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटीज़ में आपको बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिल जाएगा। एयरपोर्ट शटल, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र मिल जाता है, फ्री वाईफाई मिलता है, फ्री पार्किंग मिलता है, इंडोर पूल मिलता है, ये सब चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। फ्री वाईफाई प्रेफर कीजिएगा क्योंकि फ्री वाईफाई में आपको बहुत सारा पैसा बच जाता है, क्योंकि वहाँ पर डेटा जो आपको मिलेगा इंटरनेशनल सिम कार्ड में तो उसमें ज़्यादा डेटा नहीं मिलता, तो फ्री वाईफाई का यूज़ कीजिए। पार्किंग अगर आप कार रेंटल में लेते हैं तो पार्किंग का वहाँ पर बंदोबस्त होना चाहिए, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। स्विमिंग पूल वगैरह है या नहीं ये सब भी आप लोग देख सकते हैं।
फैमिली में जा रहे हैं तो एयरपोर्ट शटल का अगर सर्विस रहता है तो वो भी आपको बेटर होगा, क्योंकि एयरपोर्ट से तब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि न्यू लोकेशन में होटल ढूंढना थोड़ा दिक्कत का बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिल्टर क्या है। नेक्स्ट फिल्टर है लैंडमार्क। तो लैंडमार्क मतलब इसमें आप नज़दीक सा कौन सा जगह है आप ये देख सकते हैं, जैसे कि बैंकॉक का फेमस ग्रैंड पैलेस है, इसमें अगर आप टिक दीजिएगा तो दिखा देगा कि उसका सामने वाला होटल, ताकि आप वहाँ पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये भी आप लोग आपका हिसाब से देख लीजिएगा, ये डील्स में भी क्लिक कीजिए, क्योंकि इसमें जो booking.com का जो प्रमोशन चलता है उसके बारे में इस पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है फिर भी आप बुक कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं तो ये ऑप्शन को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सब फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद देखिए मेरा क्या सर्च रिजल्ट आया। इसमें से देखिए बहुत सारा होटल आ गया है फिल्टर करने के बाद, जो जो मैं मेरा हिसाब से मैं चूज़ किया था उसमें से सबसे लोएस्ट है ये 1367। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा और रिव्यू पढ़ लीजिएगा होटल के बारे में, फिर मैं होटल चूज़ करता हूँ मिड हॉस्टल को। इसके बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा रहता है, इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर नो क्रेडिट कार्ड ये सब है। होटल का फ़ोटो देख लीजिए, रूम कैसा है, इनका रिसेप्शन कैसा है, आउटसाइड से कैसा दिखने में है, फ़ोटोज़ चेक कीजिए, रिव्यूज़ पढ़िए। बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कोई भी होटल बुक करने से पहले कि जो ट्रैवलर्स वहाँ पर विज़िट कर चुका है उन लोग का रिव्यू क्या है, और फ़ोटो देखने से भी आपको मालूम पड़ेगा कि जगह कैसा है। तो ये दो चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फ़ोटो में बहुत समय अच्छा लगता है लेकिन रिव्यू में ख़राब होता है। तो रिव्यू भी ज़रूर पढ़िए, मैं तो रिव्यू पढ़ के ही कोई होटल को बुक करता हूँ। तो देखिए होटल बहुत ही देखने में तो सुंदर है, हालाँकि मैं इसमें नहीं रहा हूँ फिर भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैं इसको चलिए बुक करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पर जो एक मैप है, मैप व्यू भी है, इसमें मैप में अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर दिखा देगा कि इसका नज़दीक में क्या क्या जगह है। देखिए यहां पर क्लिक कर दिया, उसके बाद देखिए पूरा मैप आ गया, गूगल मैप से मैप फेच हो गया है, आसपास का सब एरिया दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए इसका सामने क्या क्या नज़दीकी अट्रैक्शंस है, थोड़ा देखिए इसमें यहाँ पर ग्रैंड पैलेस भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये ग्रैंड पैलेस से ज़्यादा दूर भी नहीं है, वाटरफॉल भी सामने है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो आपका होटल से कितना दूर होगा, क्योंकि ये भी एक फैक्टर रह जाता है कि जब आप बाहर टूर करने जा रहे हैं अट्रैक्शन कितना दूर में है, ये मैप व्यू से आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर रिव्यू भी पढ़ सकता हूँ, पब्लिक का जो रिव्यू है ट्रैवलर का, वो रिव्यू में पढ़ लेने के बाद मैं यहाँ पर ऑप्शंस में जाऊँगा कि कैसे मैं बुक करूँगा। देखिए यहाँ पर सब रिव्यूज़ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के बाद फैसिलिटीज़ है कि फैसिलिटीज़ में होटल में क्या क्या आपको फैसिलिटी दिया जा रहा है, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि रूम के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, फूड ड्रिंक अवेलेबल है या नहीं, ट्रांसपोर्ट के बारे में, ये सब पूरा फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर दिया जाता है। पॉलिसीज़ क्या है, चेक इन टाइम, चेक आउट टाइम, इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं, पेट्स लोग अलाउ करता है या नहीं, ये सब थोड़ा चीज़ पढ़ लीजिएगा। खास करके चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन तो आपको पहले ही ऊपर में मिल चुका है कि क्या क्या है होटल के बारे में दिया जा रहा है, ये सब पढ़ लीजिएगा होटल बुक करने से पहले, ये ताकि आपको एक अंदाज हो जाएगा कि कैसे क्या करना होगा। तो चलिए मैं इसको अब बुक करके देखता हूँ कि इसके बाद क्या होता है। यहाँ पर देखिए जो सी योर ऑप्शंस है इसमें क्लिक कीजिएगा, करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया एक डॉर्मेटरी रूम्स के अंदर बंक बेड है, इसका प्राइस है 684। उसके बाद 810 है जो 10 बेड का एक डॉर्मेटरी रूम है, बंक बेड रहता है उसमें 10 के लिए, ये है शायद उसमें ऊपर वाला में थोड़ा ज़्यादा बेड रहेगा। 6 बेड के लिए है 912, जैसा थोड़ा छोटा रूम लीजिएगा, मतलब ज़्यादा बेड रहेगा तो रूम रेंट कम होता है, ज़्यादा कम बेड लीजिएगा तो ज़्यादा होता है। मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, एक बेड मैंने सिलेक्ट किया, आप दैट्स फाइन में मैं क्लिक करता हूँ। देखिए क्या आता है नेक्स्ट पेज में, देखिए मेरा होटल बुकिंग कंफर्म हो चुका है, मेरा चेक इन डेट, चेकआउट डेट, मेरा मेल भी आ चुका, आप लोग देखिए अभी ऊपर में नोटिफिकेशन आया, मेल में भी आ गया है कि मेरा होटल बुकिंग कंफर्म हो गया है। उसमें भी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट कीजिए जो आपको वीज़ा का काम में आएगा, और उसी को लेके आप फर्दर प्रोसीड भी कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जो होटल और हॉस्टल में क्या फ़र्क है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और दूसरा मेरा अदर जो प्लेलिस्ट है वो भी आप प्लीज़ देखिए, उसमें और भी इंटरेस्टिंग सब वीडियोज़ आने वाला है। वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।